2018-21 के सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम फॉर्म को लेकर बड़ी खबर। जी हाँ, एग्जाम फॉर्म को लेकर अभी अभी न्यू सूचना, न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जेपी यूनिवर्सिटी की तरफ से। दोस्तों 18-21 के जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। अगर आप लोग एडमिशन से अभी तक वंचित हैं तो फौरन जाकर अपने अपने कॉलेज से संपर्क करें, क्योंकि एग्जाम फॉर्म को लेकर यहाँ पर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल फोन का गूगल ओपन करें। यदि अगर आप इस वीडियो को लैपटॉप या कंप्यूटर से देख रहे हो तो कोई बात नहीं, मोबाइल फोन का गूगल ओपन करो और लैपटॉप कंप्यूटर का भी गूगल ओपन करो और सर्च बॉक्स में टाइप करो jpbadmission.org, लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने एक नया विंडो जयप्रकाश विश्वविद्यालय का ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहां पर एग्जाम फॉर्म को लेकर, जी हां, एग्जाम फॉर्म को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि एग्जाम फॉर्म 20, जी हाँ दोस्तों, इसी महीने में 18 से 30 मार्च के बीच जो है कभी भी जारी हो सकता है। जी हाँ, एग्जाम फॉर्म इसी मंथ में शुरू होगा। इसका फाइनली डेट जो है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मालूम चल चुका है। जी हाँ, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट रहे, एग्जाम फॉर्म का फाइनली डेट जो है 18-21 के छात्रों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी निकल कर लेकर आया है। जी हाँ, यहां पर मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि मैं जेपी यूनिवर्सिटी जो है लगातार आता रहता हूं और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से बड़ी बड़ी अपडेट जो सूचना मिलती है, इंफॉर्मेशन, सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले चैनल को ज्वाइन करोगे तभी जाकर, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। चलिए यहां पर मैं आपको सभी जानकारी प्रूफ के साथ दिखाता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि 18-21 के जितने भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा सभी विद्यार्थी को कि आपने अपने कॉलेज में जाकर जो स्टूडेंट्स छूटे हुए हैं, एडमिशन नहीं करवाए हैं, जाकर करवा लीजिए। एक बार कॉलेज जाकर संपर्क कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में आपका एडमिशन जो है नहीं हो पाएगा। अगर एडमिशन हो, एग्जाम फॉर्म से आप लोग जो है चुक जाएंगे, ध्यान से आप लोग जाकर जो अभी भी स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं करवाए हैं जाकर करवा लीजिए, ठीक है, कॉलेज से संपर्क कर लीजिए। अब यहां पर सुनिए, अब मैं यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा सभी विद्यार्थी को, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों का एग्जाम फॉर्म जो है 28 मार्च से शुरू हो जाएगा। कितने तारीख से? 28 मार्च से। दोस्तों ध्यान रखें, 28 मार्च से आप लोगों का एग्जाम फॉर्म एग्जैक्टली शुरू हो जाएगा। इसी आप लोगों को बता दूं कि इसी वेबसाइट पर jpbadmission.org के वेबसाइट पर जो है एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। यहीं पर नीचे आप लोगों को, यहीं पर दोस्तों आप लोगों का अपडेट किया जाएगा एग्जाम फॉर्म, ठीक है, यहीं पर आप लोगों को ऑनलाइन मोड में एग्जाम फॉर्म को भरना है सभी स्टूडेंट्स को। दोस्तों ये सबसे बड़ी खबर है, बिग अपडेट है। वीडियो को अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आने वाली सभी जुड़ी जानकारी इसी तरह आपको मिलता रहेगा स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी स्टूडेंट्स को एक जानकारी और देना चाहूंगा, सभी विद्यार्थी को लगातार जो है इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलता रहता है। तो आप लोग जो है, अगर आपके छोटे भाई हैं, आपके दोस्त यार के छोटे भाई हैं, या आपके रिलेशन में कोई छोटे भाई है, बिहार बोर्ड के हैं, मैट्रिक इंटर के छात्र हैं, तो उनको बताइए इस चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि बिहार बोर्ड से जुड़ी तमाम इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फॉर्म, एडमिट कार्ड, एडमिशन, परीक्षा, सारी जानकारी जो है इस चैनल पर बिहार बोर्ड से रिलेटेड डाला जाता है। तो इस चैनल को सभी बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के छात्रों को बताएं ज्वाइन कर लें। जो 9th क्लास में हैं उनको भी बताएं ज्वाइन कर लीजिए, 9th क्लास के भी छात्रों को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करवाइए। चलिए दोस्तों अब यहां से इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आपको बता दें कि 28 मार्च से एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन मोड में शुरू हो जाएगा और ऑनलाइन मोड में एग्जाम फॉर्म को भरकर कॉलेज में ले जाकर सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना है, ठीक है। ये सारी प्रोसेसिंग इसलिए आपको बता रहा हूं कि प्रॉब्लम्स ना हो, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर से भरकर, अगर आपको नहीं आता है भरने तो मैं एक स्टूडेंट्स का भरकर दिखा दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है, आप लोगों को बता दूंगा कैसे भरना है। आप लोग घर बैठे भर सकते हो, भरने के बाद आपको ले जाकर कॉलेज में सभी डॉक्यूमेंट को ले जाकर कॉलेज में जमा कर देना है। कहां जमा करना है? जहां आपका एडमिशन, जब आप ऑफलाइन कॉलेज में एडमिशन जहां लेते हो उसी काउंटर पर आपको एग्जाम फॉर्म का ले जाकर डॉक्यूमेंट जमा करना है और एग्जाम फॉर्म का जो शुल्क यानी जो पैसा लगेगा उसको भी ले जाकर वहीं पर पैड करना है। तो आई होप कि समझ में आ गया हो। जब तक एग्जाम फॉर्म का डॉक्यूमेंट जमा नहीं करोगे तब तक एडमिट कार्ड आप लोगों का जारी नहीं होगा, ध्यान रखें। तो एग्जाम फॉर्म का डॉक्यूमेंट और पैसा दोनों ही जमा करना पड़ेगा, तब जाकर आपका एडमिट कार्ड परीक्षा के लिए जारी किया जाएगा। तो ये था जितने
जितने भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आने वाली न्यू नोटिफिकेशन बहुत जल्द लेकर आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम।